तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को डा गामा। आप में से बहुत लोग चाहते हो कि मैं अकोला खंडवा गेज कन्वर्जन पर वीडियो बनाऊं और कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी वीडियो बनाऊं। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों ने बेल आइकन अभी तक दबाया नहीं है, जिसके चलते आप सबको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दोनों टॉपिक्स पर हाल ही में ही लेटेस्ट वीडियो बनाए हैं। अगर आपको वीडियो देखने हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। और जहाँ तक बात रही मेट्रो प्रोजेक्ट्स की, तो क्या आपके शहर में अभी तक मेट्रो पहुंच गई है? अगर नहीं पहुंची तो बहुत जल्द पहुंच जाएगी। अगर कन्वेंशनल मेट्रो नहीं पहुंचती तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो ये दो टेक्नोलॉजी आपके शहर तक पहुंच सकते हैं अगर आपका शहर टीयर टू शहर है या फिर टीयर वन शहर के आसपास मौजूद है। इस साल के बजट में 88,000 करोड़ रुपये मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए अलॉट किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल कोची मेट्रो फेज़ 2, चेन्नई मेट्रो फेज़ 2, बेंगलुरु मेट्रो फेज़ 2A और 2B, नागपुर मेट्रो फेज़ 2, नासिक नियो मेट्रो में इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ दो नई टेक्नोलॉजी का जिक्र भी किया गया है, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। इन दोनों टेक्नोलॉजी को उन शहरों के लिए डिप्लॉय किया जाएगा जिन शहरों में ज़्यादा जनसंख्या तो है पर इतनी भी नहीं है कि वहाँ कन्वेंशनल मेट्रो उपलब्ध करवाई जाए। कन्वेंशनल मेट्रो यानी कोलकाता मेट्रो या फिर दिल्ली मेट्रो का उदाहरण आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर 702 किलोमीटर का टोटल कन्वेंशनल मेट्रो नेटवर्क है 13 शहरों में। अब और 1016 किलोमीटर के मेट्रो और RRTS प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है 27 शहरों में। मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पर अभी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मेट्रो लाइट कन्वेंशनल मेट्रो का 40-45% है और मेट्रो नियो कन्वेंशनल मेट्रो का 20-25% है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कोलकाता मेट्रो इस देश का सबसे पुराना मेट्रो नेटवर्क है, दिल्ली मेट्रो लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है और नागपुर मेट्रो नई पीढ़ी की मेट्रो है, जिसे मार्च 2019 में आम जनता के लिए खोला गया था। इसी के साथ 13 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, कोची, लखनऊ, हैदराबाद, नोएडा, अहमदाबाद और नागपुर में। इसी के साथ 8 मेट्रो प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, नवी मुंबई, पुणे, कानपुर, भोपाल, इंदौर, पटना, आगरा और सूरत में, जो 2024 तक तैयार हो जाएंगे। और 10 मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर प्लानिंग की जा रही है और 10 मेट्रो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर अभी विचार चल रहा है। और चंडीगढ़, लुधियाना, मेरठ में मेट्रो प्रोजेक्ट्स को स्क्रैप कर दिया गया किसी कारण वर्ष। अभी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिन प्रोजेक्ट्स पर प्लान तैयार किया जा रहा है या फिर जिन पर विचार किया जा रहा है या जिन प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी स्क्रैप कर दिया गया किसी कारणवश, तो हो सकता है कि इन शहरों में अगर ये शहर कन्वेंशनल मेट्रो के कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो यहाँ पर मेट्रो लाइट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या फिर अगर ये मेट्रो लाइट्स की भी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो फिर यहाँ पर मेट्रो नियो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि टीयर टू शहरों के लिए और टीयर वन शहर के आसपास के इलाकों के लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो को डिप्लॉय किया जाएगा। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मेट्रो लाइट से। मेट्रो लाइट जैसे FB लाइट वैसे ही मेट्रो लाइट। अगर एक लाइन में मुझे आपको मेट्रो लाइट के बारे में बताना हो तो वो ये है कि बड़े शहरों के लिए मेट्रो और छोटे शहरों के लिए मेट्रो लाइट। एक कन्वेंशनल मेट्रो के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर और अंडरग्राउंड टनल बनाना पड़ता है, जिससे कि खर्च बहुत बढ़ जाता है। अगर मेट्रो को ज़मीन पर मौजूदा सड़क के किनारे दौड़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा खर्च बच जाएगा। आप सब सोच रहे होंगे कि अगर इसे सड़क पर ही दौड़ाया जाएगा तो ये तो फिर ट्रैम हुई। जी हाँ, ये ट्रैम भी है पर यह मेट्रो भी है, क्योंकि ट्रैक्स के आजू बाजू फेंसिंग की जाएगी। स्टेशन जो होगा वो छोटा होगा, स्टेशन होगा आइलैंड प्लेटफॉर्म के साथ, जैसे कि एक बस स्टॉप होता है वैसे ही, पर थोड़े बेहतर सुविधा यहाँ पर आपको दी जाएगी। पर एक्सरे स्क्रीनिंग मशीन, प्लेटफॉर्म स्क्रीनिंग डोर्स, AFC गेट, बैगेज स्क्रीनिंग, ये सब सुविधा नहीं होगी। अगर कहीं जगह की कमी है तो फिर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा सकता है। आप सब सोच रहे होंगे कि टिकट कहाँ से लेंगे,
चलते बस में आप जैसे कंडक्टर से टिकट लेते हैं वैसे ही, या फिर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड या फिर किसी और तरह के टिकटिंग सिस्टम के जरिए आप टिकट्स ले पाएंगे। रोलिंग स्टॉक की बात करें तो स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम से बने हुए ट्रेन्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। टिन डब्बों की 2000 से 15000 की कैरिंग कैपेसिटी हो सकती है विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 60 km/h, और पावर सप्लाई ओवर ट्रैक्शन वायर से होगा या फिर थर्ड रेल की मदद से। आप सबको पता होगा कि बहुत दिनों पहले दिल्ली में मेट्रो लाइट इंट्रोड्यूस किया जाना था, पर कुछ महीने पहले ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यह कन्फर्म किया कि वो अब मेट्रो नियो प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, यानी मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है, अब वहाँ पे मेट्रो नियो प्रोजेक्ट लाया गया है। यानी मेट्रो नियो हो सकता है कि आने वाले समय में मेट्रो लाइट पर भारी पड़ जाए। नासिक में भी यही रेल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाना है, और इसीलिए मेट्रो नियो के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मेट्रो नियो एक बसी की तरह होती है, जी हाँ, एक बस की तरह। बसी की तरह इसमें रबर के टायर्स भी होते हैं, जिससे कि मेंटेनेंस पर भी बहुत खर्च बच जाता है। यहाँ पावर सप्लाई ओवरहेड वायर से जब एलिवेटेड कॉरिडोर पे हो, और बैटरी से जब ज़मीन पर ये चल रही हो, वहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। अगर यहाँ सब कुछ बस की तरह है तो ये अलग कैसे हुई? यह अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ तीन डब्बों को एक साथ कपल किया जाएगा और ये फुल इलेक्ट्रिक होने वाली है। 25 मीटर की पूरी मेट्रो होगी, जिसमें 240 से 250 पैसेंजर एकोमोडेट हो पाएंगे, और इसकी टॉप स्पीड होगी 90 km/h। मेट्रो में जो बसेस होंगे वो फुल्ली एयर कंडीशनड होंगे, और ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम, लेवल बोर्डिंग, कंफर्टेबल सीट, पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम और पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिक डिस्प्ले जैसी सुविधा भी दी जाएगी। नासिक नियो मेट्रो कॉरिडोर एक में 10 रेलवे स्टेशन होंगे, गंगापुर मुंबई नाका के बीच में जो 10 किलोमीटर का सेक्शन होगा, और कॉरिडोर दो में 15 स्टेशन होंगे, गंगापुर नासिक रोड के बीच में जो 22 किलोमीटर का सेक्शन होगा। और दिल्ली में कीर्ति नगर बामनोली द्वारका के बीच मेट्रो नियो प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, यानी आने वाले समय में दो जगह हमें मेट्रो नियो देखने को मिल सकते हैं, दिल्ली में कीर्ति नगर बामनोली द्वारका के बीच और नासिक में, जहाँ पे दो कॉरिडोर्स पर काम किया जा रहा है। आगे चलकर मैं RRTS और कई ट्रांजिट सिस्टम पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर जल्दी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन दबाया नहीं है तो दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे।